दोस्तों एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अभी अभी हुआ है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एमपीपीएससी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि एमपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो कहां कहां से पूछे हैं। देखिए टोटल मेरे कुछ प्रश्नों की अगर बात करें, सीधे सीधे 31 प्रश्न तो मध्य प्रदेश से ही पूछ दिए हैं, खेल से पूछे हैं 3, विविध से 6, समसामयिकी से 5 प्रश्न आए हैं, इतिहास से 4, भूगोल से 6, कला संस्कृति से 3 प्रश्न आए हैं। वहीं राज्य व्यवस्था की जब बात करते हैं 4 प्रश्न, भूगोल से 4, भारतीय राज्य व्यवस्था से 11, विविध से 6, अधिनियम से टोटल मिला के 10, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के 2 प्रश्न जो कि हर बार रहते हैं वो अभी भी थे, मानवाधिकार अधिनियम से 4 प्रश्न जो कि आने ही होते हैं वो भी आए हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से भी 3 प्रश्न ये भी हर साल आते हैं, विज्ञान तकनीक कंप्यूटर से जो है 13 प्रश्न आए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से 9 प्रश्न, इतिहास से 4, प्राचीन इतिहास से 2, मध्यकालीन इतिहास से 2। देखिए हाँ, ये पोर्शन हर आदमी नेगलेक्ट कर देता है मगर एमपीपीएससी ने इस बार इस पर फोकस मारा है और 2 प्रश्न स्पेशली इस पे से आए हैं। इसके अलावा देखिए विज्ञान से 5 प्रश्न हैं, पर्यावरण से 2 प्रश्न हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है बिल्कुल ना के बराबर है, वहीं एमपी की हिस्ट्री पॉलिटी और पास्ट 3 ईयर का जो करंट अफेयर है उसने गेम चेंजर साबित हुआ है। ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, ह्यूमन राइट्स से भी लगभग 5 क्वेश्चन हैं और एसटीएससी एक्ट 1989 से भी क्वेश्चन हैं, गेम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और जो आयोग का जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है और मतलब कट ऑफ में जो है ये काफ़ी तरीके से जो है शामिल किया जा सकता है कि कट ऑफ जो है अच्छी खासी रहने वाली है। दोस्तों आगे हम लोग इसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी हम लोग मतलब इसका पूरा पेपर को जो है डिटेल्ड हर एक उसका जो है डिटेल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये जान लेना ज़रूरी था कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। अब धीरे धीरे हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, आप जितनी यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हैं दोस्तों कुल मिला के वो वीडियोस जो हैं आधी अधूरे ज्ञान के साथ आप लोग बस भपके में देख तो जा रहे हैं मगर अंततः आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर सही भी हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है तो हम इसके बाद जो है पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने ला रहे हैं। अगर आप लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं आपको लग रहा है तो हमारे डेली मेंस आंसर राइटिंग से आप जुड़ सकते हैं। आगे यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है दोस्तों, उसके लिए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं प्रीलिम्स 2020 के लिए, तो आज ही जुड़ जाइए आप आईएएस चैनल के साथ। समीक्षा सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 1989 से लेके आज तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके कॉन्सेप्ट यूपीएससी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के गेम चेंजर आपके लिए ये आप आईएएस चैनल साबित होने वाला है। अभी बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें इन वीडियोज़ को क्योंकि ये डिटेल्ड एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो एक सीरीज से हम कर रहे हैं और जल्दी ही आपके लिए और वीडियोज़ हम ला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।